Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So those who do not know me, my name is Aastha. So for those people who know me, मैं एक software developer हूँ. तो मेरी एक 9 to 5 corporate job है and उसके बाद मैं content create करती हूँ. तो मेरा इसकी वजह से ना एक constant interaction रहता है phone, laptop, computers, जिसकी वजह से मेरा face हमेशा tired लगता है, puffy लगता है and जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स आने के भी बहुत चांसेस होते हैं. आपको तो पता ही है लैपटॉप्स और आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से कितनी ज्यादा यूवी रेज आती है जो आपके स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है. तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए और एंटी एजिंग को डिले करने के लिए मैं एक फेशियल मसाज टेक्निक यूज करती हूँ. तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी. सारे फेशियल मसाज टेक्निक्स एंटी एजिंग है, रिंकल्स को रिड्यूस करते हैं, आपके डार्क सर्कल्स पे वर्क करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो चेहरे की थकावट होती है सारी टायर्डनेस और पफिनेस को खत्म कर देते हैं. सो चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैं अपने हेयर को टाई कर लेती हूँ इन अ टाइट बन कि मसाज करते वक्त कोई भी हेयर ऑब्स्टिकल ना बने प्लस हेयर ब्रेकेज ना हो. So we'll start by washing your face. Make sure your face is all clean. No makeup should be there. So that your pores are clean. तो जो भी हम मसाज ऑयल या कुछ भी अप्लाई करेंगे वो आपके फेस में अच्छे से अब्सॉर्ब हो. बेसिकली मैं इसे अपना फेशियल वार्म अप या फेशियल वर्कआउट रूटीन कहती हूँ. तो इस फेशियल मसाज के लिए आपको कोई फेशियल ऑयल चाहिए या आप कोई सीरम भी यूज कर सकते हैं या कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं. एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू. तो मैं अपने फेशियल मसाज के लिए ये त्रिवेदा कुकुमाडी फेशियल ऑयल यूज करती हूँ. ये फेशियल ऑयल 100% नेचुरल है और ये कोल्ड प्रेस्ड आर्गन ऑयल से बना है. इसमें सैफ्रॉन और सारे हर्ब्स का ब्लेंड है जो आपके हाइपर पिगमेंटेशन पे वर्क करता है और इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है. ये आपके सारे डार्क स्पॉट्स को भी रिड्यूस करता है और सारे ब्लेमिशेस पे भी काम करता है. सो वी स्टार्ट बाय टेकिंग 3 to 5 ड्रॉप्स ऑफ दिस फेशियल ऑयल. आप मेक श्योर करिए कि आप अच्छे अमाउंट में लें क्योंकि आपको फुल फेस का मसाज करना है और आपको अपने फेस में अब्सॉर्ब भी करना है. तो आप अच्छा अमाउंट लें. इस फेशियल ऑयल में कोई आर्टिफिशियल कलर या फ्रेग्रेंस नहीं है फिर भी ये इतना अच्छा स्मेल करता है. इसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा सैफ्रॉन और सारे ब्लेंडेड हर्ब्स की है. प्लीज स्टार्ट बाय अप्लाइंग दिस फेशियल ऑयल ऑन ऑल ओवर द फेस. मेक श्योर यू पैट इट इवनली कि आप पूरे फेस पे मसाज कर सको. फर्स्ट हम अपने फोरहेड को टारगेट करेंगे. आप अपने दोनों हाथ के नकल्स लें, इस तरह फोल्ड करें और अपवर्ड मोशन में फोरहेड को मसाज करें. आप ये 10 times कर सकते हैं. तो आप अपवर्ड मोशन में हल्के प्रेशर से फोरहेड पे मसाज करें. उसके बाद आता है ये नेजल बोन. आप अपने दोनों हाथ के पॉइंटेड फिंगर्स लें और इस तरह नेजल बोन पे प्रेस करें और इसे इस तरह मसाज करें. ये भी आप 10 times कर सकते हैं. उसके बाद आता है फोरहेड और नेजल बोन के बीच का जो पार्ट है इसको आप अपने दोनों हाथ के नकल्स लें और इस तरह अपवर्ड मोशन में, इस तरह एक लिफ्टिंग इफेक्ट की तरह अपवर्ड मोशन में मसाज करें. उसके बाद आप ये दोनों रिंग फिंगर लें और अपने इस तरह उस एरिया को अपवर्ड मोशन में टुवर्ड्स द टेम्पल इस तरह मसाज करें. अब आपका आता है ये आईब्रो बोन. इस तरह आप अपने दोनों फिंगर से वी बनाएं, आईब्रोज को इस तरह इंटैक्ट करें और इस तरह मसाज करें. ये आपके आईब्रो बोन्स को रिलैक्स करेगा. ये आपके अपर आईज को भी, अपर एरिया ऑफ द आईज को भी रिलैक्स करता है क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब आप लैपटॉप या फोन को यूज करते हैं तो ये काफी स्ट्रेन होते हैं. अपर आईलिड्स, ये हमारा फोरहेड एरिया कवर हो चुका है. अब हम अपने आईज पे आते हैं. ये सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होते हैं. अपने आईज के लिए 2 steps करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप वील स्टार्ट बाय द सर्कुलर मोशन. धीरे धीरे आप अपने आईज को इस तरह सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए. फर्स्ट को क्लॉकवाइज एंड देन यू कैन कम एंटी क्लॉकवाइज. इतना रिलैक्सिंग लगेगा ना गाइज, ये इतने ज्यादा स्ट्रेन होते हैं द इंटायर डे.
ये वाला स्टेप एक्चुअली आपके रिंकल्स भी रिड्यूस करता है। सो आफ्टर दिस जो मैं सेकंड स्टेप बताने वाली हूँ वो एंटी एजिंग है। ये आपके आईज के अंडर जो फोर पॉइंट्स हैं हम उसको धीरे धीरे प्रेस करेंगे। सो फर्स्ट इज दिस टुवर्ड्स द इनर कॉर्नर ऑफ योर आईज, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनर कॉर्नर्स, देन द मिडिल पार्ट, देन जस्ट बिलो द आईलिड एंड टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द टेम्पल। ये सारे पॉइंट्स एंटी एजिंग है। तो हम चीक्स पे आते हैं। नाउ अगेन टेक दीज टू फिंगर्स, मेक अ वी एंड इस तरह प्लेस कीजिए अपने चीक बोन्स के नीचे एंड मसाज इट इन अपवर्ड मोशन। अब फील करेंगे जो आपके ये चीक बोन्स हैं ये इतने डिस्ट्रेस हो रहे होंगे। सेम गोज ऑन द अदर साइड। आप इस स्टेप को अपने नकल से भी रिपीट करें क्योंकि आपके नकल्स मॉडरेटली फर्म होते हैं, ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। और नेक्स्ट विल कंटोर आवर जॉ लाइंस। अगेन मेक अ वी एंड इस तरह जॉ लाइन के एंड्स में इस तरह अपवर्ड मोशन में ही इस तरह आप मसाज करें, टेकिंग इट फ्रॉम द चिन टुवर्ड्स द टेम्पल। ये जॉ लाइन वाला मसाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जब हम काम करते हैं या फोन पे या लैपटॉप पे मोस्टली हम नीचे झुक के इस तरह हमारा हमेशा ये बेंड रहता है जिसकी वजह से जॉ लाइन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती हैं एंड मोस्टली इसकी वजह से भी डबल चिन फॉर्मेशन होता है। वर्क ऑन द माउथ एरिया, द लाफ लाइन्स। टेक योर थंब एंड टेक अ पॉइंटेड फिंगर, इस तरह लाफ लाइन्स पे प्लेस करें एंड जस्ट गो डाउनवर्ड्स लाइक दिस। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर द डीप पफिंग ऑफ फेस, टेक द थंब एंड द पॉइंटेड फिंगर, प्लेस इट लाइक दिस एंड गो टुवर्ड्स द एंड लाइक दिस, कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है और फेस की सारी पफनेस को डिक्रीज करता है। नाउ द चीक बोन्स, ईयर्स को कभी मत भूलना, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। नाउ द फेस इज डन, फेस के साथ साथ कभी अपने नेक एरिया को मत भूलना। सो टेक बोथ ऑफ दिस थंब एंड मसाज इट डाउनवर्ड्स फ्रॉम द चिन to your Adam's apple। ये double chin formation को भी कम करता है। Go towards the ends। Now relaxing your collarbones। And we are done with our facial workout and warm up routine। ये सारे स्टेप्स आप वंस इन अ वीक कर सकते हैं और बेसिकली अगर आप ये सोने से पहले करेंगे तो ये आपको इतनी अच्छी नींद भी आएगी एंड प्लस आपका, आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना लाल हो गया है, तो आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और सारे पॉइंट्स बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेंगे और अगले दिन जब आप उठेंगे तो बिल्कुल भी आपके फेस पे टायर्डनेस नहीं होगी, आपका पूरा फेस डीपफ्ड होगा, ब्लोटेड नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल इट फॉर माई फेशियल वर्कआउट रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन See ya, wait for my next video।